हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज, जो आप लोगों को बड़ी खबर से अपडेट करवाएगा। कि इस टाइम पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं करुणा भवन के सामने खड़ा हूं। स्पष्ट आप देखेंगे यहां पर ऊपर देखने को मिल पा रहा होगा कि करुणा भवन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। करुणा भवन का मतलब है कि कलेक्ट्रेट न्यायपालिका। जो आप लोगों को बता दूं कि कलेक्ट्रेट का न्यायालय परिसर में जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर आज शिवसेना संगठन के द्वारा जो है एक बड़ा एक धरना प्रदर्शन और कहें कि विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा जो है तो दिखाया जा रहा है। जहां कि आप लोगों को बता दें कि एक पत्रकार की बात आ रही है कि पत्रकार को अरेस्ट किया गया था। किस मुद्दे को लेकर के अरेस्ट किया गया था, अब तक शायद आप लोग अवगत हो चुके होंगे। लेकिन मामला ये बनता है कि अरेस्ट किया गया, जो कार्यवाही की गई उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं किसी भी प्रशासनिक कार्यवाही में कोई बाधा पैदा नहीं करना चाहता। लेकिन वहीं देखा ये गया कि एक थाना की बात करें जहां की मुख्य रूप से कुछ चीज़ों का गोपनीयता रखी जाती है, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा देखा यह गया कि अपने थाना को उन्होंने संभाल ही नहीं पाया, यानी कि वो थाना को नहीं संभाल पाए। और कुछ ऐसे फोटो वायरल हुई जिनको लेकर के महिला या पुरुष की बात करें या उनके परिवार की बात करें, बिल्कुल हर जगह जो है मजाक बनकर रह गया है। और ये मजाक जो बना वो कैसे बना, ये तो आप लोगों को TI के बयान के द्वारा पता ही चल पाया कि उनके द्वारा सीधे ये स्पष्ट कहा गया है कि मेरे ही थाने में ऐसे किसी ने बदमाशी कर दी। ये बदमाशी क्या होती है, किस तरीके से बदमाशी की गई, कल उनके द्वारा ये बयान दिया गया था कि किसी ने किया है, अब मुझे नहीं पता उस पर जो है अभी तक कार्यवाही की जा रही और वरिष्ठ अधिकारी इस पर जाँच करेंगे। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि इस टाइम पर शिवसेना जो है तो तैनात है और ये लगभग सभी ने अपने कपड़े उतार दिए, पैंट में है, ये चड्डी में नहीं है, ये पैंट में है, जो स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर अब जो है एक ज्ञापन सौंपने का भी कार्य किया जा रहा है, जहाँ की तहसीलदार सौरभ मिश्रा जी आए हुए हैं एक ज्ञापन लेने के लिए, आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट। एक बिर की थोड़ा आइसन सबको आ जाए, थोड़ा तरीका बोल दीजिए, एक मिनट, ठीक है, जा कर लगा दो। अमित शाहिलान की विषय पर गंभीरता लेके अधिकारी आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर तहसीलदार सौरभ मिश्रा मौजूद हैं, जो कि आप लोगों को अवगत करवाएंगे कि इनके द्वारा जो है क्या एक ज्ञापन सौंपा गया और क्या क्या जानकारी इनको दी जा रही, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, पूरी बातें स्पष्ट होगी। सर, थोड़ी स्पष्ट करें कि क्या आपको एक ज्ञापन सौंपा गया और किस चीज़ का विरोध? ये शिवसेना जिला इकाई सीधी के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, थाना कोतवाली में कुछ लोगों के विरुद्ध जो है जो कानूनी कार्रवाई की गई थी, उसमें वायरल फोटो और जो नंगी तस्वीरें वायरल हुई थी उसके संबंध में ज्ञापन है, उसको मैं आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सर, जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ लाइन अटैच लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं ये एक भारी क्षति हुई है, किसी की इज्जत दागदार हुई और बार बार ये जो फोटो हर जगह स्टेटस भी लग रही है, सर आपको क्या लगता है इस पर? सर, और कड़ी कोई कार्यवाही होनी चाहिए या गोपनीयता भी देखी ये थाना की भंग हुई, सर इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये गृह विभाग का मुद्दा है, जो भी होगा इसमें ऊपर स्तर से होगा, मैं इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को जो है सूचित करता हूँ। शुक्रिया सर। तो बातें जो हुई वो स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हम अब विवेक से भी बात करेंगे कि विवेक के द्वारा ये जो किया जा रहा है क्या क्या मांगे इनकी हैं वो स्पष्ट करेंगे, है ना। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा, देश के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा हुआ है, मतलब पत्रकार एक कनिष्क तिवारी जो कि हमारे विंध की आवाज़ हैं, बघेल खंड की आवाज़ हैं, और बघेल खंड के तवज्जुब जिस प्रकार से उन्होंने दिया है, मैं मानता हूं कि उनका अपमान हुआ है, चौथे स्तंभ का अपमान हुआ है। पत्रकार क्या बंदूक की नोक पर आप कलम चलाएगा, ऐसी ही स्थितियां बनी रहेगी। कानून किस आर्टिकल किस संविधान ने दे दिया है आज़ादी की आप नग्न तस्वीरें वायरल करें, थाने के अंदर से तस्वीरें वायरल, किसकी जिम्मेदारी? संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है, जो आए थे दूसरे थाने से चल के मारने आए थे, उनकी बपौती उनके बाप की वर्दी नहीं है, ये जनता की वर्दी है। और गुंडागर्दी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, ये समझिएगा। आपने कनिष्क तिवारी को टारगेट बनाया, फोटो बाद में बार जो भी हुआ, मारपीट मामले हुए, मैं ये तो नहीं जानता, चलिए ठीक है, जो भी गलतियां हुई थी, लेकिन उसके बाद फोटो वायरल करना, ये गुंडागर्दी बिल्कुल शिवसेना बर्दाश्त नहीं करी। आपको आजमाना है, हमसे आजमाइए ना, हम तो तैयार बैठे हैं, आपको किस वक्त नग्न करना है ना, आप थाने में बोलते हैं हम ऐसे ही आ जाएंगे, आपकी क्षमता शिवसैनिकों के ऊपर करिए, हम उस दिन पिक्चर बना डालेंगे,
ये जनता की वर्दी, किसी के बाप की वर्दी नहीं है। उस वर्दी का सही दायित्व तो निर्वहन करें, डरते नहीं हम किसी से। अभी जो है उस थानेदार को और शिहावल के जो थानेदार हैं, दोनों थानेदारों को जो है अब तक लाइन हाजिर कर दिया गया, जो कि अमलिया के थानेदार हैं। अमलिया के थानेदार वहां पर क्या कर रहे थे, इसका कोई अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि किस लिए वहां पर आए, क्या कैसा रहा, उस बारे में कुछ आप देखिए। मैं इस विषय पर जरूर कहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रहा हूं कि कुछ व्यक्ति विशेष की दुश्मनी निभाई जा रही है, और जो भी संबंधित थाना प्रभारी आए थे ये तो बड़ी निंदनीय और बड़ी जघन्य घृणा का है, कितना भी गिरा हुआ शब्द कहें कम पड़ जाता है। आप दूसरे थाने से दूसरे थाने में आके अगर ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो यानी आप वर्दी की गुंडागर्दी, अरे वर्दी उतार कर आइए ना, हम भी चौराहे में मिलते हैं ना आपसे। इस पर रोशनी मिश्रा का एक बयान आया है, जो कि दैनिक भास्कर में भी ये चीज़ें आई, और उनसे मेरी जो बात हुई तो उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि इसमें अभिषेक सिंह जो व्यक्ति जो कि थाने प्रभारी जो हैं अमलिया के हैं, वहाँ पर बैठे थे, उनके द्वारा ये फोटो खींची गई। तो अभिषेक मतलब यहाँ पर आए, रोजनामचा होता है जहाँ पर ये दर्ज कराया जाता है कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, अपने थाना को छोड़ कर अगर कोई बाहर आ रहा है तो एक कहीं ना कहीं खास एक रीज़न उनको देना होगा, किसने बुलाया था, सारी चीज़ें। तो इस पर जो ये टारगेट किया जा रहा है उनको, अभिषेक परिहार को, क्या ये सही है कि ये वाकई में कोई उनकी खास दुश्मनी थी पहले? देखिए ऐसा है कि मेरे पास कोई साक्ष्य और प्रमाण तो नहीं है कि मैं प्रमाणित कर सकूं कि उनकी क्या है कैसा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है और वैधानिक कार्यवाही होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जो अभी हाल ही में ये निकल के आ रहा है कि लाइन अटैच लाइन हाजिर का, ये कोई विषय नहीं है। अगर ऐसी स्थितियां बनी रही तो इस विषय को लेकर शिवसेना एक बड़ा आंदोलन करेगी, बड़ा मोर्चे की तैयारी करेगी और लड़ाई भी लड़ेगी। इसका कोई सलूशन नहीं, आप उसको सस्पेंड करें जो भी संबंधित है। मैं किसी अभिषेक परिहार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक थाना प्रभारी की नहीं, जिसने भी गुंडागर्दी वर्दी के नाम पर दिखाने की कोशिश की है। आपको ये नहीं लगता कि ये सीधी में दोबारा लाइन हाजिर का मतलब है कि कुछ दिनों की छुट्टी, आराम से इंजॉय कर रहे हैं कहीं पर, दूसरा उनको एक काम दे दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये फिर से आएंगे, अपने थाना को पकड़ेंगे, और थाना पकड़ने के बाद आपको नहीं लगता कि बदले की भावना से, जब पहले से ही हैं तो ये और बदला लेंगे, ऐसा कुछ कोशिश नहीं करेंगे? इनके बदले की आग एक दिन ऐसा ना रहे कि शहर को खाक ना कर दे, ऐसे ही बदले की आग शहर को खाक ना करे और इसका खामियाजा इन्हें भी और इनके परिवार सभी को भुगतना पड़ जाए। तो क्या ये जिले से बाहर जाना चाहिए इनको या यहीं फिर से? मेरा मानना है कि ऐसे अधिकारियों को जिनके पास कोई अनुभव और ज़्यादा चमचागिरी टाइप की, यानी कहा जाए तो सत्ताधीशों की अगर गुलामी करते हैं, ऐसों को रखने की उचित नहीं, क्योंकि सत्य के विपक्ष भी बहुत सारे आम जनमानस सभी को ही बैठे होते हैं। बार बार विधायक का नाम आ रहा है कि विधायक के द्वारा ये सब करवाया गया, उसमें आप कितना सहमत हैं? विधायक इस विषय पर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कुछ, चूँकि हमारे पास एविडेंस नहीं कि विधायक हैं या विधायक पुत्र हैं। मुद्दे तो कुछ ऐसे सामने आए हैं ना, फेक आईडी मैंने भी देखी, वो तो गलत था, जिन्हें भी किया, जिसको बराबरी करनी है तो काम करके दिखाओ ना आप, फेक आईडी दिखाना, ये सारी चीज़ें करना, इसका तो मैं कड़ा विरोध करता हूँ जिसने भी किया है। इसमें तो शासन का विषय का जांच है, जांच का विषय है, वो अपना काम करेगी। लेकिन अगर रही बात फोटो वायरल की, तो उनकी भी माँ बहन है, सभी की माँ बहन है, और इस तरीके से आप क्या साबित करना चाहते हैं? फोटो वायरल करके आप ये डराना चाहते हैं कि वर्दी से, वर्दी की गुंडागर्दी बताना चाहते हैं? ये वर्दी जनता की, ये खाकी हमारे देश का मान सम्मान और गौरव है, इसे आप खाकी बताएंगे ना, ये हमारी आन बान शान है, और इसके लिए आप अपनी बपौती ना समझे, इसका सही निर्वहन करेंगे तो हम सम्मान करेंगे आपका। जी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनकी बातें सामने आ रही हैं कि हम विधायक के विरोध में कतई नहीं है, क्योंकि मेरा उनसे किसी से खास विरोध नहीं है, और विरोध का मतलब ये है कि दुश्मनी कतई नहीं है। दूसरी बात ये आ रही है यहाँ पर कि हम सिर्फ फ़ोटो, यानी कि जो वायरल किया गया उसके आधार पर हम बातें करेंगे कि जो फ़ोटो वायरल हुई वाकई में गोपनीयता भंग हुई, और एक थाना प्रभारी मतलब अपना थाना नहीं संभाल पा रहा है, तो वाकई में उनके ऊपर एक बड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। दूसरा एंगल की बात करें कि जो ये नंगी तस्वीरें आई, यानी कि सिर्फ एक अंडरवियर में जो ये फ़ोटो है, जो मजाक बन के रह गया है, वो अपनी खुद की दोस्ती निभाने के चक्कर में ये हुआ, आप इस बात से कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुके होंगे। और मैं बात करूंगा एक मुद्दे पर कि जो थाना में उनका जुलूस निकालने की कनिष्क के द्वारा जो बातें आई कि थाना के अंदर जो है मेरा एक जुलूस निकाला गया, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा है, मैं आपको एक चीज से संतुष्ट कर दूं कि अगर जुलूस निकाला गया, जो भी किया गया, अगर कनिष्क तिवारी जी को लगता है उनके साथ ऐसा हुआ है और वो अपील करते हैं, मैं उनके साथ हर तत्पर संभव मदद के लिए खड़ा। उनके पास जो धमकी आती भी, मैंने जो उन्होंने निवेदन किया कल वीडियो के माध्यम से और कहा कि हमारा साथ दें, तो शिवसेना आर्य पार खड़ी है, किसी के माई की लाल की औकात है कनिष्क तिवारी के साथ ऐसा करे, और उनके साथ मैं खड़ा हूँ, ये शिवसेना खड़ी है, पूरे शिवसेना परिवार। रही बात वीडियो वायरल की, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है जिसका मैं प्रमाणित करके ऐसा कर सकूँ। जिस दिन प्रमाण आ गया उस के बाद शिवसेना क्या करेगी उनके साथ मिलके वो वक्त बताएगा। बिल्कुल, मैं एक बात कहूंगा कि मैं पार्टी विशेष तो नहीं, लेकिन यहां पर एक बात मैं बताऊंगा कि सिमरिया के मीडिया प्रभारी
उनके द्वारा एक कहूं कि पोस्ट किया गया था कि एक दिन की ठुकाई में पत्रकारिता धर गई, यानी कि पत्रकार डर गया, सहम गया। ये बात कहीं ना कहीं वाकई में सत्य थी कि डर तो गया था, लेकिन अगर कोई डरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फांसी पे लटकने वाला है या अगला वो कर्तव्य अपना ना करेगा। अगर किसी ने माइक पकड़ लिया है तो वो आखिरी तक लड़ेगा, जब तक उसकी सांसों में सांस रहेगी बॉडी में तब तक वो लड़ता रहेगा। लेकिन बात यहाँ पर करेंगे कि वाकई में कहीं ना कहीं पत्रकारों को डराने को लेकर के ही इतना बड़ा ये एक प्रोपगंडा रचा गया, और बात करें कि फोटो वायरल की गई ताकि कोई भी पत्रकार अगर किसी के फेवर की बात ना करें, अगर कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ों का विरोध कर रहा है जो सत्य अगर उसे दिखा रहा है तो वो इतनी बुरी तरीके से डर जाए कि वो अपना काम कर ही ना पाए। हम सिर्फ एक ही मुद्दों को नहीं रखेंगे, हम दोनों पक्षकारों को एक साथ की बात करें कि दोनों पक्ष को रखेंगे, चाहे वो सामने वाला जिस तरीके से हो। मेरा किसी से विरोध नहीं, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं, वो चाहे बात करें विधायक हो या कनिष्क तिवारी हो। मैं अगर कनिष्क तिवारी अगर गलत है तो कतई मैं उनके साथ नहीं हूं, लेकिन जहां ये पुलिस की बात हो रही है या पत्रकारों की बात होती है वहां पर वाकई में यह चीज लगता है कि जिस दौरान ये फोटो वायरल हो रही, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं ये चीजें देखी जा रही कि फोटो वायरल होने की वजह से पत्रकार काफी डरे और सहमे हुए थे, जो कि अब उनके अंदर फिर से एक ये हो चुका है कि अब हम पत्रकारिता अगर कर रहे हैं तो वाकई में शासन प्रशासन मेरा साथ देता है, और पत्रकार अगर निरंतर इस तरीके से काम करते रहेंगे तो देश का जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा ही। और अगर मुझे दबाने की बात की जाए कि चौथा स्तंभ को अगर हम दबाने की कोशिश करेंगे, अगर इस तरीके से अगर दबता रहा तो वाकई में हमारा ये जो देश है कितना पीछे जाएगा, हम किस किस के गुलाम हो जाएंगे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बने रहें आप तरंग24 न्यूज़ के साथ, मैं फिर से मिलता हूँ आप लोगों से एक बड़ी खबर के साथ। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ, नमस्कार, जय हिंद।